Welcome to Digital Adhyapak. As you know, we are discussing module, and our next question is, two identical resistors, each of resistors 2 ohm are connected in turn, series and parallel to a battery 12 volt. Calculate the ratio of power consumed in the two cases. आपको दोनों केसेस में बताना है कि एनर्जी रेशियो क्या होगा पावर के रिस्पेक्ट में. तो देखिए, आपके पास रेजिस्टेंस दैट इज R1 इज 2 ओम एंड बोथ आर आइडेंटिकल, मींस R2 इज आल्सो इक्वल टू 2 ओम. कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं. देखिए, कंडीशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले उन दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया और फिर किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया. तो देखो, अगर हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, मैं ध्यान से देखिए, सीरीज में पहला कंडीशन, तो हमें पता है कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा. तो ये हो जाएगा सर 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ओम. देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये कह रहा था, मैं फिर से आपको बताता हूं कि दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं. आइडेंटिकल का मतलब वैल्यू सेम, तो R1 और R2 मिल गया आपको. कह रहा है कि इसको एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जिससे कनेक्ट किया जा रहा है, कितना है, 12 वोल्ट है. तो इनको एक बार सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है. तो आपको बताना है कि जो पावर आएगा सीरीज के कंडीशन में और पैरेलल के कंडीशन में, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, उनके बीच में रेशियो क्या होगा, रेशियो फाइंड करना. तो देखो, मैंने R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम, आपको बताया कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, यहां से हमने सॉल्व कर लिया. अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको 4 ओम आ गया हमारा R इक्विवेलेंट. अब मैं इसको सॉल्व करता हूं. देखो, पावर हमें निकालना है, तो मैं यहां लिख लेता हूं पावर इन सीरीज. पावर इन सीरीज का मतलब होता है पावर का जो फॉर्मूला होता है किसके रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स होता है. पोटेंशियल डिफरेंस और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसके टर्म्स में आप करेंगे कि ये तो V स्क्वायर अपॉन R होता है. आपको पता होगा पावर इज इक्वल टू द V स्क्वायर अपॉन R. जैसे हम पावर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर का मतलब 12 इनटू 12, ये आपको देखो यहां पे गिवन है, तो मैंने यहां लिखा. और R आपने फाइंड किया इन सीरीज कितना है, 4 ओम. और जैसे आप यहां से सॉल्व करेंगे तो पावर इन सीरीज कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा 36 वाट. और ये हो गया आपका पावर इन सीरीज. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ये ध्यान रखना. तो देखो, सीरीज में जो पावर आ गया कितना आ गया, 36 वाट आ गया. अब हम चलते हैं दूसरी तरफ. क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया. तो मैं दूसरा वाला यहां सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से देखो. तो मैंने यहां लिखा सेकंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल. आप बताओ जरा, पैरेलल में अगर यही दोनों रेजिस्टर्स कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सर हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू LCM ले लेंगे तो हो जाएगा R1 R2. आपको ये बात पता भी है R1 R2, और यहां क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन, या आप इसको ऐसे सॉल्व करो R इक्विवेलेंट, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन हो जाएगा R1 प्लस R2. मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल किया है, यहां से रेसिप्रोकल करते ही इसका उल्टा हो जाएगा. देखो ये हो गया. अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो, तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू रहेगी 2 इनटू 2, क्योंकि रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 प्लस 2, 2 टू 4, 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम. तो ये क्या आ गया हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. अब हम फिर से क्या फाइंड करेंगे, पावर फाइंड करेंगे. तो देखो, मैं यहां पे पावर फाइंड करके दिखाता हूं. पावर इन पैरेलल, TP मींस पावर इन पैरेलल, और यहां पे TS मींस पावर इन सीरीज. पावर इन पैरेलल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R. V स्क्वायर का मतलब 12 इनटू 12, और R इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला है, 1 ओम, यहां आपने पुट किया और ये आ जाएगा 144, और ये हो गया हमारा ओम. ये 144 ओम आपका क्या हो गया, ये आया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी ये आपका है पावर, जब हमने इसको किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया. अब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं, इन दोनों के बीच में रेशियो, पीएस और पीपी के बीच में आपको क्या बताना है, रेशियो. तो रेशियो देखो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. रेशियो का मतलब पीएस मतलब पावर इन सीरीज अपॉन द पावर इन पैरेलल, और ये कितना आ जाएगा, तो सीरीज में हमने पावर निकाला 36, तो मैंने इसको लिख दिया 36, और पावर इन पैरेलल हमने कितना निकाला है, 44, 1 अपॉन 44, तो ये हो जाएगा पीएस अपॉन पीपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. देखो PS अपॉन PP, ये इसे 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा. जैसे ये इसे 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4. यानी हम यहां से रिलेशन कह सकते हैं कि PS इज टू PP इज इक्वल टू होगा 1
is to 4 और यही क्या था हमारा आंसर था. आई होप ये आपको विजिबल होगा, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा. तो यहाँ रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ रेशियो आ रहा है पी एस इज टू पी पी इज इक्वल टू 1:4. तो ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना था. तो आपको बस यहाँ पे समझना था एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल और ये आ गया आपका आंसर. थैंक यू.